हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यानी कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स ये हैं कि सर हमारा फॉर्म तो वेरीफाई हो गया, तो हमारा जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में कब क्रेडिट होगा। तो इसी से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक यूपी स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिला है, यानी कि आपका फॉर्म तो वेरीफाई हो चुका है मगर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इसे बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्कॉलरशिप से संबंधित वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव न्यूज दिखाने वाला हूँ अमर उजाला की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो किस डेट को आने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी छात्रों के लिए, चाहे जिनका फॉर्म सस्पेक्ट में हो, पेंडिंग में हो, या फिर जिन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है उनके लिए भी। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अपना फॉर्म कहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा कि क्या न्यूज है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब फाइंड डॉट कॉम। उसके बाद आपको यहां पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस का ऑप्शन देख सकेंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहां पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक का, पोस्ट मैट्रिक का एंड अदर देन इंटर का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। प्लस आप यहां से अपना उमंग का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका अमाउंट प्रोसेसिंग में है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ, आपको लाइव न्यूज़ दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो किस डेट में आने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, यूपी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के अकाउंट में 31 मार्च तक आ जाएगी छात्रवृत्ति, बस करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, यूपी स्कॉलरशिप 2022। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में कब स्कॉलरशिप आएगी, इसे लेकर गुड न्यूज़ सामने आई है। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। इन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में कब स्कॉलरशिप आएगी, इसे लेकर गुड सामने आई है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है। इसके तहत स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे में इस साल भी यूपी के लाखों विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है, लेकिन उन्हें अब छात्रवृत्ति आने का इंतजार है। स्कॉलरशिप विभाग ने स्टूडेंट्स के यूपी छात्रवृत्ति के लिए स्टेटस जारी कर दिया है। ऐसे में स्टूडेंट्स अपने यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जरूर चेक कर लें। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस में अब भी कई स्टूडेंट्स का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, मतलब अभी भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से स्टूडेंट्स का यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस पेंडिंग है। यानी कि देखिए यहां पर ये बात दे रखी है कि अभी भी काफी ज्यादा छात्र ऐसे हैं कि उनका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग में है, वेरीफाई नहीं हो। तो ऐसे सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने कॉलेज में एप्लीकेशन दे दी है, कॉलेज में कह भी दिया, कॉलेज वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो आप डायरेक्ट अपने समाज कल्याण विभाग जाके वहां पर बात करिए और उनसे कहिए कि हमारा फॉर्म अभी तक क्यों वेरीफाई नहीं हुआ, हमारे कॉलेज ने डेटा फॉरवर्ड किया है या नहीं, उनसे यह इंफॉर्मेशन भी आप लोग ले सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की ओर से आपका यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस कब सत्यापन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 10 मार्च तक सभी विद्यार्थियों का स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। 10 मार्च के बाद सभी विद्यार्थियों का वेरीफाई स्टेटस भी शो होने लगेगा। यानी कि 10 वेरीफाई तक आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई कर दिया जाएगा, जैसा कि अपडेट से पता चला है। अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कब आएगी। समाज कल्याण विभाग के अफसरों का कहना है कि 31 मार्च तक सभी स्टूडेंट्स के बैंक खातों में स्कॉलरशिप की राशि पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव होने की वजह से स्कॉलरशिप की राशि आने में देरी हो रही है। किन वर्गों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, इस पर अधिकारियों ने कहा है कि यह कैटेगरी राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की जाती है। ठीक है, यानी कि यह बात क्लियर है कि 31 मार्च तक जो आपका पैसा है वो आ जाएगा और जो डेट स्कॉलरशिप आने की वो आप लोग मान सकते हैं 10 से 12 मार्च से आपका जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोग मंडे से मान सकते हैं, जो कमिंग मंडे है उससे जो आपका पेमेंट है वो आ सकता है और लगभग 15 से 20 दिन तक लगातार अमाउंट आता रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपना अकाउंट एक्टिवेट रखिए, डॉर्मेंट कंडीशन में नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड अपडेट रखिए, KYC अपडेट रखिए, अदरवाइज आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर काफी ज्यादा छात्रों की ट्रांजेक्शन फेल हुई थी और जो लास्ट डेट है पेमेंट आने की वो है आपकी 31 मार्च 2022 और उसके बाद उन्हीं छात्रों की आएगी जिनका अमाउंट
प्रोसेसिंग में होगा। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लिए, क्योंकि वहां पर भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।